एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जनपद में शहर क्षेत्र में 36 चौकी थी जिसे बढ़ाकर 50 किया जा रहा है। इसके अलावा साउथ क्षेत्र में 12 चौकी थी जिसे बढ़ाकर 19 किया जा रहा है और नॉर्थ क्षेत्र में 20 चौकी थी जिसे बढ़ाकर 30 किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे लोगों की समस्या चौकी पर ही हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर पुलिस नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता है। सभी नवीन चौकी पर जल्द ही उप निरीक्षक की तैनाती कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, कोई व्यक्ति अगर पुलिस को सूचना देना चाह रहा है चौकी पर पहुंच सके और उस क्षेत्र में पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए अपराधियों की गतिविधियों पर, क्योंकि इसमें बहुत सी चौकियाँ जो सड़क मार्ग है उनके नजदीक भी है, तो अपराधियों का अगर मूवमेंट हो रहा है उसके लिए और जनता की सुविधा के लिए इसको इसका निर्णय लिया गया है। ये प्रेस नोट के गोरखपुर में शासन की जो प्राथमिकताएं हैं जैसे कि जन सुनवाई, अपराध और अपराधियों की रोकथाम और बेहतर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनपद गोरखपुर में पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को और अच्छा करने के लिए एसपी सिटी, एसपी नॉर्थ और एसपी साउथ साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी द्वारा विभिन्न आंकड़ों को संज्ञान में लेते हुए, परिस्थितियों को और घटनाक्रमों को ध्यान में लेते हुए जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों में नई अस्थाई चौकियां खोलने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसको कि अप्रूव करते हुए जनपद में आज से पूर्व में जो चौकियां हैं उनके अतिरिक्त विभिन्न थानों में कुल 31 चौकियां और नई अस्थाई चौकियां खोली जा रही हैं, जिसके कि फलस्वरूप जनपद में अब कुल 99 पुलिस चौकियां हो जाएंगी। जिन जिन थाना क्षेत्रों में ये चौकियां खोली जा रही हैं उनकी संख्या और उनके नाम प्रेस नोट में दिए गए हैं। उस चौकी क्षेत्र में कौन कौन से मोहल्ले और कौन कौन से गाँव आएंगे उसको भी विस्तार से दिया गया। इसके अतिरिक्त जनपद में विशेष रूप से देहात क्षेत्र में जहां बड़े बड़े हलके थे वहां पर सब इंस्पेक्टर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हलकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में पूर्व में 29 हलके थे, अब नए 23 हलके प्रस्तावित किए गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र में 37 हलके थे तो नए 11 हलके प्रस्तावित किए गए हैं। इन सभी प्रयासों से क्षेत्र में पुलिस की प्रेजेंस, आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर नज़र रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और आम जनता से बेहतर संवाद बनाए रखने के उद्देश्य से ये सारे कदम उठाए गए हैं। आज इसका फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया है। इसके बाद जब इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे चलकर और भी प्रस्ताव जो इस कमेटी द्वारा दिए जाएंगे या आवश्यकता अनुसार जनता के द्वारा भी अगर हमारे पास कोई इस तरह के प्रस्ताव आएंगे तो उनको भी संज्ञान में लेते हुए इस चीज़ों को लागू किया जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में ये नई चौकियां और यहां पर जो नियुक्ति होगी सब इंस्पेक्टर्स की चौकी प्रभारी के रूप में, उनके द्वारा जनपद गोरखपुर की जनता के साथ अच्छा समन्वय बनाया जाएगा, कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा और जन सुनवाई की जो प्राथमिकता उत्तर प्रदेश शासन की है उसको सबसे ऊपर रखते हुए जनता की सुनवाई को ही अपनी प्राथमिकता बनाया जाएगा। देखिए बहुत जल्द कमेटी को यही भी दायित्व दिया गया है कि इस पर प्रपोजल लेकर के बहुत जल्द इसमें तैनाती भी कर दी जाएगी। देखिए बिल्कुल जहाँ जहाँ चौकियाँ स्थापित होनी हैं वहाँ पर कैसे कैसे भवन बनने हैं या कैसे जगह चिन्हित की जानी है उसकी प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है और जैसे जैसे इसमें प्रस्ताव आते रहेंगे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज इस चौकियों को स्थायी रूप से हमारे द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।